दोनों पराठे अच्छे से सीख चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी लेड़ निकल रही है, लच्छे ही पराठे, लच्छे वाले पराठे के। और इसकी भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे करारे करारे पराठे सीखे हैं। इसको आप सॉस के साथ या दही के साथ किसी भी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। नमस्ते, आज मैं बना रही हूँ मसाले का पराठा। इसके लिए मैंने ये जीरा लिया है, एक चम्मच घी वाला एक चम्मच जीरा लिया है, और ये एक चम्मच पुदीना इसमें डालूंगी, और एक चम्मच सौंफ पाउडर, और थोड़ा सा नमक 1/4 चम्मच, और लाल मिर्च एक चम्मच लाल मिर्च लूंगी। इसमें इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके दो तरीके के पराठे बनूंगी, एक लच्छा पराठा और एक सिंपल पराठा। इसके लिए मैं चपाती बनाने जितना डो लूंगी हाथ। एक इससे बड़ी सी चपाती बनाएंगे। पे ये घी लगाऊंगी इस तरह। ये जो मसाला बनाया ये मसाला रिंकल करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से, और इसके ऊपर ही थोड़ी सी नमकीन इस तरीके से इसमें डालेंगे। चटपटा पराठा बना बन के तैयार हो जाता है। इस तरह बेलन से इसको थोड़ा स्तर कर देंगे। बीच में से इसका थोड़ा ऐसे कट करके इसको इस तरीके से बनाइए। थोड़ा हाथ से इसको दबा देंगे। मैंने ये पराठा बना लिया है, इसको भी इसमें प्लेट में रख देते हैं। एक लोई और लेंगे, इसकी भी एक चपाती बना लेंगे अच्छे से बड़ी सी। मेरी चपाती बना ली, इसमें थोड़ा घी लगाएंगे अच्छे से, चारों तरफ फैला लेंगे घी को। और जो ये मसाला मैंने बनाया है ये मसाला पूरा रिंकल करेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसको फैला लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह, पतली पतली कटिंग करेंगे। मैंने सारे कट कर लगा लिए इसके इस तरीके से। अब इन सबको इस तरह इस तरीके से इनको सबको कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको यूं घुमाएंगे ऐसे।
घुमा के इसे थोड़ा घी और लगाएंगे, घी तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं, और थोड़ा आटा इसके ऊपर डालेंगे। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये वाला हिस्सा जो है इसको नीचे दबा देंगे, और इसको हाथ से इस तरह हल्के हाथों से इसको बेल देंगे। इसको भी मैंने इस प्लेट में रख लेते हैं। अब चले गैस के पास चलते हैं। मैंने दो तवे गरम कर लिए ताकि फटाफट से सिक जाए दोनों। पहले इसको सेकेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर एक पराठा ही सिक रहा है, जब तक दूसरे तवे के ऊपर दूसरा पराठा सेक लेते हैं। देखिए कितने अच्छे इसके लच्छे निकल के आए। दोनों ही पराठे अच्छे से सीख के तैयार हो गए, तो निकाल लेते हैं। इधर ये वाला पराठा भी अच्छे से सीख चुका है, ये देखिए नमकीन वाला पराठा। गैस को बंद कर देते हैं और अच्छे से इसकी बटर लगा देते हैं, बटर या घी को भी लगाना। दोनों पराठे अच्छे से सीख चुके हैं, देखिए कितनी अच्छी रेड निकल रही है लच्छे लच्छे वाले पराठे के, और इसकी भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे करारे करारे पराठे सीखे। इसको आप सॉस के साथ या दही के साथ किसी भी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं।